हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजफुल प्रोडक्ट्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेजर हेयर रिमूवल टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि दोस्तों आपके शरीर के अनचाहे बालों को रिमूव करने में आपकी मदद करती है। इस टेक्नोलॉजी में दोस्तों लेजर किरणों को यूज किया जाता है, जो कि आपके शरीर के अनचाहे बालों को जलाकर उनको रिमूव करने का काम करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कि यह टेक्नोलॉजी आपके लिए सेफ है या फिर नहीं, और इसमें कितना खर्चा आता है और कितना खर्चा नहीं आता हो, और कौन कौन से रिस्क आपके लिए हो सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को वॉच करते रहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो साथ में बेल आइकन का बटन दिया है उसे भी टच करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, हमारे शरीर के अनचाहे बालों को हटाने के लिए एनडी योग लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि दोस्तों हेयर रिमूवल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों लेजर इस टेक्नोलॉजी का चुनाव दोस्तों अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार से किया जाता है। हेयर रिमूवल में दोस्तों लेजर के जरिए डॉक्टर बालों के फॉलिक्स को नष्ट कर देते हैं। लेजर हेयर रिमूवल टेक्नोलॉजी में पिगमेंट को नष्ट कर दिया जाता है, इसलिए दोस्तों हमारी जो जितनी अधिक गोरी त्वचा होगी और हमारे काले बाल जितने अधिक होंगे, वो दोस्तों टेक्नोलॉजी हमारे लिए उतना ही कारगर साबित होगी। लेकिन अगर दोस्तों अगर आपका कलर सांवला है और आपके बाल भी काले हैं और आप उनको रिमूव करना चाहते हो, तो ये टेक्नोलॉजी आपके लिए थोड़ी सी रिस्की साबित हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी से बालों को रिमूव करने में कितना खर्चा आता है। तो दोस्तों इसके तीन चार सेटिंग्स करानी पड़ती है, मतलब इसको तीन चार बार कराना पड़ता है, और पर सेटिंग्स का खर्चा लगभग 7,000 रुपए आता है। तो अगर आप इसका कुल टोटल खर्चा देखेंगे तो 28-30 हजार के समथिंग इसका पूरा खर्चा आता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की, क्योंकि दोस्तों ये टेक्नोलॉजी एक तरह की ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें दोस्तों आपको फायदा भी होगा और इसके नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपको इसके फायदे ही हो या फिर नुकसान भी हो। तो दोस्तों इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, और वो साइड इफेक्ट इस प्रकार है कि दोस्तों जब आप इसको यूज ये आप टेक्नोलॉजी आपका आप करा लोगे, तो इसके बाद में दोस्तों आपको खुजली की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों कभी कभी आपको खुजली की समस्या भी आ सकती है, और दोस्तों कभी कभी लेजर वाला हिस्सा भी ज्यादा जल जाता है। तो दोस्तों जिस स्थान पर ज्यादा लेजर का उपयोग कर दिया जाता है वो स्थान ज्यादा जल जाता है। तो दोस्तों इसमें हाइपर पिगमेंटेशन की भी समस्या आ जाती है, और दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो हमारी पसीने वाली ग्रंथियां होती है वो दोस्तों नष्ट हो जाती है, और वो भी प्रभावित होती हैं। और फ्रेंड्स, इसके इस्तेमाल से दोस्तों हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। जब हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है और हम धूप में जाते हैं तो हमारी स्किन पर रेडनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये कितनी इफेक्टिव है या नहीं। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी दावा करती है कि ये परमानेंट होगी, लेकिन दोस्तों बहुत सारे केसों में, लगभग 70% केसों में ये दोस्तों फेल हो जाती है, और ये बिल्कुल भी परमानेंट नहीं है। इस ट्रीटमेंट के दोस्तों कुछ महीने बाद ही आपको इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, या फिर दोबारा से बाल आना स्टार्ट हो सकते हैं। सो दोस्तों मैंने इस टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है, और अगर आप कोई सुझाव या हमारे सुझाव या जानकारी चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, और आप हमें बताइए कि आपको ये टेक्नोलॉजी कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहते हो, इसको इस्तेमाल करना चाहते हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और आपके साथी फ्रेंड्स भी आपकी हेल्प करने में मदद करेंगे। सो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।